आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी के ताज़ा तरीन हालातों से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बुरहानपुर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, जो कि बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। निम्बोला थाना अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी धूलकोट क्षेत्र में रविवार के दिन कुछ लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे थे, जिसको लेकर निम्बोला थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया और पुलिस चौकी धूलकोट प्रभारी सुनील पाटिल ने बेवजह घूमने वाले लोगों से परेड करवाई एवं चालानी कार्रवाई करते हुए सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना मतलब कोई भी व्यक्ति अपने घरों से ना निकले और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में जिला प्रशासन का सहयोग करे। लॉकडाउन के पालन कराने के लिए सख्ती से ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज धूलकोट में लगभग 30 लोगों को जो बिना काम के घूम रहे थे उनको पकड़ करके और उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनसे कुछ वर्जिशें करवाई गई, पीटी परेड वगैरह करवाई गई और उनकी चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी क्या? हाँ, आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बिना काम के बिना कारण से घूमते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध लॉकडाउन के पालन में इस प्रकार की कार्रवाई रूटीन में रहेगी। सर आपका नाम? मैं निरीक्षक विक्रम सिंह बामनिया, थाना प्रभारी निम्बोला। खबरों का सिलसिला यूं ही बादस्तूर IBN 9 के साथ जारी रहेगा। आप बने रहिए IBN 9 पर। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नज़र। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।